मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना सातवां बजट। आम बजट में नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स छूट की उम्मीद। किसान व्यापारियों को भी मिल सकती है बड़ी सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया। आर्थिक सर्वे में विश्वगुरु बनने का मंत्र, 6.5 से 7% की दर से विकास दर का जताया गया अनुमान। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा मामले पर आज भी सुनवाई। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट कमेटी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब तय करेगी। संसद सत्र के मद्देनजर इंडिया गठबंधन दलों की आज बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 4 बजे होगी इंडिया अलायंस की बैठक। सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई। व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की दी हाईकोर्ट की अनुमति को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने पर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार सिर्फ मेन्यू या वेज या नॉनवेज की ही जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के नेम प्लेट के फैसले पर अखिलेश का बयान, सांप्रदायिक राजनीति का फड़फड़ा रहा था। अखिलेश यादव ने कहा, सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई। आम बजट से ठीक पहले बिहार को बड़ा झटका। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि अंतर मंत्रालय समूह की 2012 की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। लालू ने कहा, नीतीश ने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नीतीश कुमार इस्तीफा दें। लालू के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया। कहा, लालू यादव से पूछिए तेजस्वी कहां है। विशेष दर्जे की चिंता करने वाले मानसून सत्र में सदन से ही गायब हैं। पेपर लीक को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने कहा, परीक्षा इंतजामों में भारी गड़बड़ी हुई। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर लोकसभा में हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं। धर्मेंद्र प्रधान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक को लेकर संसद में अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार पेपर लीक पर रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब। प्रधान ने कहा, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। सरकार ने पेपर लीक कानून बनाया, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य की चिट्ठी वायरल हुई। उप मुख्यमंत्री ने 4 जून को कार्मिक विभाग के एसीएस को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग से रखे कर्मचारियों का विवरण मांगा था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार से चर्चा हुई। आरक्षण के विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री सभी दलों को चर्चा के लिए न्योता भेजेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि शंभू और किन्नौरी बॉर्डर खुलते ही अन्नदाता दिल्ली कूच करेंगे। एमएसपी कानून की मांग को लेकर 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। इंडियन नेवी के युद्धपोत ब्रह्मपुत्र पर लगी आग से भारी नुकसान। 21 जुलाई को मरम्मत के दौरान लगी आग पर 22 जुलाई सुबह तक काबू पाया जा सका। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडगर की मां मनोरमा खेडगर को आज पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था कल, और कोर्ट ने पूजा खेडगर की मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 4 लोगों की मौत। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर में हुआ हादसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू। सोमवार को मेले के पहले दिन डीजीपी अभिनव कुमार ने किया निरीक्षण। गुजरात के राजकोट जिले के लाटगांव में लगातार तेज बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति। लोगों को जलभराव के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पाकिस्तान के गजल गायक राहत फतेह अली खान दुबई में गिरफ्तार। राहत के पूर्व मैनेजर सलमान अहमद ने दर्ज कराया था मानहानि का केस। संसद सत्र में पहले दिन पीएम का संबोधन और कहा कि देश सत्र को बारीकी से देख रहा। तीसरी पारी का पहला बजट है, लोगों को जो गारंटी दी है, जमीन पर उतारने का समय।
मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट के नए पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट हमारे 5 साल की दिशा तय करेगा। बजट भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। पीएम मोदी ने विपक्ष से सकारात्मक सत्र चलाने की अपील की है और साथ ही कहा कि जितनी लड़ाई थी वो लड़ ली। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा सदन में प्रधानमंत्री की आवाज रोकी गई है और साथ ही यहां पर विपक्षी दलों को नसीहत दी गई। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र का आगाज। सीपीआईएमएल के विधायकों ने मूर्ति गोलंबर से लेकर बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च किया। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर रही है। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। छब्बीस जुलाई से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का सत्र होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था और महंगाई पर योगी सरकार को विपक्ष घेरेगा। छब्बीस जुलाई से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होगा। उधर लद्दाख में कारगिल विजय दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। शहीदों की पत्नियों से बातचीत करेंगे, जवानों में भरेंगे जोश। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना को भारतीय जाबाजों ने कारगिल से पीछे खदेड़ दिया था। 25 जुलाई को विजय दिवस की रजत जयंती है। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी शर्मिश्रा ने पीएम मोदी की द्रास यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की।